पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, देश की सियासत में बड़ा प्रभाव डालने वाला उत्तर प्रदेश अब सुर्खियां बटोरता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इसी बीच वहां के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की। ऐसी बातें निकलकर सामने आई थी कि योगी आदित्यनाथ की बुराई करने, शिकायत करने वो वहां पहुंचे थे। शिकायत करने के बाद वो वापस लौट भी आए लखनऊ में। फिर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी नाराजगी और एक तरह कहिए तो योगी आदित्यनाथ की बुराई करते हुए नजर आए। अब इसी बीच समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव मजा लेते नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं आपको बताऊंगी, लेकिन अब अखिलेश यादव के एक पोस्ट से यूपी की राजनीति फिर से गर्मा गई है। आपको बताते हैं, उन्होंने कहा कि अपने अंदाज में मॉनसून ऑफर दे दिया। इसमें उन्होंने कहा कि 100 लाओ और सरकार बनाओ। अखिलेश यादव के इस चर्चे पर बाजार अब गर्मा गया है। दरअसल पहले भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव इस प्रकार को ऑफर दे चुके हैं, लेकिन जब पहले से ही हालात बिगड़े हुए हो तो अखिलेश यादव उसमें बयानबाजी जारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी समर्थन कर देगी। इसके साथ ही इस बयान के जरिए उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को कहिए तो खुला ऑफर दे दिया है। एक बार फिर से वो इस प्रकार की बातें करते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से उत्तर प्रदेश भाजपा में लगातार विवाद गहराया हुआ है। पार्टी को चुनाव में मार्च सिर्फ 33 सीटों पर जीत मिली, वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया ने 43 सीटों पर जो है वो जीत दर्ज की। समाजवादी पार्टी यूपी की राजनीति में नंबर 1 बन गई है। पार्टी को 37 सीटों पर जीत मिली। सहयोगी कांग्रेस 6 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। इसके बाद लगातार भाजपा में मंथन का दौर जारी है और भाजपा जो है अब काफी यूपी में काफी सदमे में नजर आ रही है। इसी बीच अब अखिलेश यादव भी बयानबाजी कर रहे हैं और जो है कहिए तो मजे लेते नजर आ रहे हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक ये बैठक का दौर जारी है। इस बैठक के बीच केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बताकर प्रदेश के राजनीति में अलग ही बहस छेड़ दी है। सरकार बड़ा या संगठन बहस का मुद्दा बन गया है। इस बीच विपक्षी दल भाजपा के भीतर बढ़ रही हलचल में अपनी रणनीति को जमीन पर उतारने की मानिए तो कोशिश कर रहा है। इस क्रम में अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर सरकार बनाने का मॉनसून ऑफर दे दिया। आपके स्क्रीन पर यह पोस्ट चल रहा होगा, अखिलेश यादव ने जो ये पोस्ट करके मानिए तो एक धमाका ला दिया है यूपी में। ये पोस्ट आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा, 100 विधायकों को लाने पर सरकार बनाने का ऑफर दिया गया है। अब जो है मानिए तो यूपी में एक घमासान मच गया है। बता दें कि यूपी में इन दिनों राजनीति काफी गरमाई हुई है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने प्रदेश में पार्टी की हार की वजह से संबंधित रिपोर्ट प्रधानमंत्री से लेकर पार्टी अध्यक्ष तक सौंप चुके हैं। इस दरमियान प्रदेश में कार्यकर्ताओं की स्थिति भी खूब चर्चा में हुई है। मामले में पार्टी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ जो है वो बैठक कर सकती है। वहीं विपक्षी दल भाजपा को अब संतुलित नहीं होने देने की रणनीति पर आगे काम कर रही है। अखिलेश यादव के बयान को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी को भी इससे जोड़ कर देखा जा रहा है। आपको हमने स्टार्टिंग में ही बताया किस तरीके से केशव मौर्य नाराज चल रहे थे। उसके बाद वो दिल्ली पहुंचे जेपी नड्डा से, मानिए तो योगी आदित्यनाथ की शिकायत किए। लखनऊ में आके भी वो अपनी नाराजगी जाहिर किए। तो अब अखिलेश यादव का इस तरह से पोस्ट करना और केशव मौर्य का ये नाराजगी, अगर दोनों का कोई तालमेल खा रहा है तो ये यूपी में राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल ला सकता है। आपको हमने पहले भी बाबा के साथ हमने एक खबर की थी किस तरीके से जो है अब यूपी में सरकार डगमगा सकती है, वही बातें निकलकर सामने आई है। अब इससे मिलकर तमाम जो भी खबरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, ऐसी खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप,
जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700।